अब दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल भारत में बनेगी। भारत का खास दोस्त रूस सबसे खतरनाक राइफल की तकनीक भारत से साझा करेगा। जी हां, AK-47 राइफल बनाने वाली रूस की कंपनी क्लाशनिकोव भारतीय कंपनियों से बातचीत कर रही है। अगर ये डील हो जाती है तो दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल AK-47 भारत में ही बनेगी। यही नहीं, रूसी कंपनी भारत में पार्टनर बनने वाली किसी भी कंपनी से राइफल टेक्नोलॉजी शेयर करने को भी तैयार है। 20वीं सदी की बेस्ट और सबसे खतरनाक मानी जाने वाली राइफल AK-47 को डिफेंस से ज्यादा अवैध संगठन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से कई सालों से रूस ऑफिशियली देश में इस हथियार की सप्लाई भी रोक चुका है। क्लाशनिकोव के चीफ एग्जीक्यूटिव अलेक्सी करीवारुको ने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि इस साल की शुरुआत से ही बातचीत हो रही है। भारतीय कंपनियों के साथ बात अब अच्छी दिशा में आगे भी बढ़ रही है। कुछ भारतीय कंपनियां 2008 से ही ये राइफल बनाने के लिए बातचीत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत में हमारी बातचीत सरकारी और निजी दोनों तरह की कंपनियों से हो रही है। हालांकि अभी नाम बताना जल्दबाजी होगी क्योंकि बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि इस राइफल को भारत में बनाने को लेकर यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई डील नहीं हो रही है। अगर डिफेंस मिनिस्ट्री से बातचीत की नौबत आती है तो हमारे पार्टनर बात करेंगे। रूस की इस कंपनी का कहना है कि भारत में इस राइफल का प्रोडक्शन शुरू करने के लिए करीब 650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रोडक्शन शुरू होने के बाद सालाना 50,000 राइफलें बनाएंगे। भारतीय कंपनियों को टेक्नोलॉजी देने के सवाल पर रूसी कंपनी ने कहा, हम भारत से अपने साझेदार को टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो लोकल पार्टनर को तकनीक की मदद मिलेगी। इसमें राइफल के अलावा और कई छोटे हथियारों की तकनीक शामिल रहेगी।